चलो चलो गाइस यार, मुझसे तो कंट्रोल नहीं ले और जल्दी अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, घर से निकलते हैं। तो गाइस यार, आपने कभी ना कभी सुना तो होगा मंकी किंग के बारे में। गाइस यार, आपने कभी ना कभी मूवी देखी होगी यार, इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। मंकी किंग एक खतरनाक बंदर जो असल में यार भगवान बुद्ध से भी लड़ने बैठ गया था। गाइस सोच रहे ना, भगवान से लड़ने चला गया था वो मंकी किंग। गाइस सोचो वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा जो भगवान से लड़ने चला गया था। गाइस तो गाइस यार, आज तुम्हारा भाई चेंज होने वाले खतरनाक वाले मंकी किंग के अंदर, एक ह्यूमन से मंकी किंग के अंदर। तो गाइस यार, अरे अरे अरे, देखो यार, मैं इन लोगों को ढूंढ रहा था गाड़ी लेके, मैं इसलिए शहर में आया था। तो गाइस यार, जो ये लोग घूम रहे हैं ना खतरनाक वाली गाड़ियां लेके, जो मेरे ऊपर गोली चला रहे, मेरे ऊपर क्या सबके ऊपर चला रहे, ये असल में मेंबर्स है मंकी गैंग के। ये मंकी गैंग के मेंबर है। और यार ये तीन गाड़ियां जो दिख रहे हो ना, मैं दिखाता हूँ अभी, इनके पास ये तीन गाड़ियां है और इन तीन गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी के अंदर मुझे मिलने वाला एक बंदर, जिसे खाकर मैं चेंज होने वाला हूँ एक खतरनाक वाले मंकी किंग के अंदर। ओ भाई साहब, ये गोलियां पे गोलियां चलाए जा रहे हैं, शायद यही मौका है मेरा। अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और इनकी बैंड बजाना शुरू करता हूँ। यार थोड़ी देर वेट करता हूँ इनको बजा लेने, तो यार पुलिस वाले इनकी थोड़ी हेल्थ वेल्थ कम करते हैं, जिससे मेरे को थोड़ी ज्यादा आसानी हो इनकी बैंड बजाने में। हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर इनके पीछे पड़े तो हैं, वैसे मुझे नहीं लगता पुलिस वाले इनका कुछ बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे भाई को ही निकलना पड़ेगा मैदान के अंदर। अबे है कहां पर वो, कहां चला गया? ओ गाइस यार, मेरे पीछे से दो दो गाड़ियां आ रही है। अबे इनकी ऐसी तैसी, ओ शिट, मैं अपनी गाड़ी का आर्मर ऑन करना भूल गया। चलो गाइस यार, फिलहाल तुम्हारे भाई ने अपनी गाड़ी का आर्मर ऑन कर लिया है, अब इसकी बैंड बजाता हूं मैं, रुक जा। ओ गाइस यार, इनकी गाड़ी भी ज्यादा ताकतवर है, मतलब इनका जो आर्मर है वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत खतरनाक वाला है। मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा, मेरे को खतरनाक तरीके से तोड़ना होगा, टक्कर मार के नहीं लगता मैं इसको हरा पाऊंगा। ये ले, अरे भाई साहब गोली मारी, कुछ हुआ ही नहीं उस बंदे को। रुको यार, मेरे पास स्टिकी बम होगा ना, उससे उड़ाता हूँ इनकी गाड़ी को, चाहे कितनी ताकतवर हो, स्टिकी बम इनकी बैंड बजा देंगे। ओए अबे गाड़ी तो रोक यार, जब ही तो स्टिकी बम लगाऊंगा, ऐसे भगता रहेगा तो मैं बम कैसे लगाऊंगा। चलो गाइस, एक बम लगा दिया। ओए एक बम से तो कोई फर्क नहीं पड़ा इनकी गाड़ी को, लगता है काफी ताकतवर है। अबे फ्यूल घिन रहा है, चलो फ्यूल में आग लगा देता हूँ। अरे शिट यार, फ्यूल में भी आग नहीं लगी। अबे कहाँ जा रहा है, रुक जा। अबे यार ये तो भगे ही जा रहा है यार। अबे रुक तो भैया, अबे रुक ही नहीं रहा, इस वाले को बताता हूँ इतने। ये ले, इसके ऊपर तीन चार लगा देता हूँ, जिससे पक्का फट जाएगा। अब तो बेटा तू तो गया, तेरे ऊपर इतने सारे स्टिकी बम लगा दिए मैंने, तू बचेगा नहीं इस बार। अरे कुछ भी नहीं हुआ अभी इसको, खत्म भाई, एक खत्म। मुझे नहीं लगता उसके अंदर बंदर होगा, क्योंकि यार जो बंदर है जिसके अंदर, वो गाड़ी सबसे ज्यादा ताकतवर होगी। ओके तो भाई साहब, ये गाड़ी इसको फोड़ते हैं जल्दी से। ये ले, दो तीन, एक चार, अब भाई साहब नहीं बचेगी इसकी गाड़ी। बूम बैट 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 बैट, चलो गाइस यार ये गाड़ी का भी गेम ओवर। तो गाइस यार फिलहाल एक लास्ट गाड़ी बची है। ओ शिट, मेरी गाड़ी में आग लग रही है, क्या हो रहा है? पता नहीं यार, पीछे से बहुत ज्यादा आग सी लग रही है। अब वो कहां चला गई भाई वो गाड़ी? अबे इसको पकड़ना पड़ेगा गाइस यार, उसको पता लग गया कि उनके पीछे कौन पड़ा है, सुमित द डॉन, सुमित टोपी खुद पड़ा है गाइस। चलो गाइस यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग भी चाहते हो मैं मंकी किंग के अंदर अपग्रेड हो जाऊं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो मंकी किंग, जल्दी जल्दी गाइस। अरे भाई ये तो गोल गोल घुमाया जा रहा है गाड़ी को, अब बेटा अब नहीं बचेगा। तो गाइस सर इसके पास आ गए बिल्कुल, इसके ऊपर अब बम लगाता हूं बहुत सारे, एक दो तीन। ओए दो बम में से कुछ हुआ भी नहीं इसको। गाइस यार मैं बोल रहा हूँ ना, इसके अंदर पक्का मंकी है, जब भी यार ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको बस ये ले दो लगा दिए, अब तो पक्का फूट ही जानी चाहिए। तो गाइस यार ये लो ब्लास्ट हो गई, चलो अब जल्दी से उतरता हूँ गाड़ी में से। ओ भाई साहब बस मेरे को इसके अंदर मंकी मिल जाए, जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ मंकी गैंग का मंकी मिल जाए मेरे को एक बार जल्दी से। ओ गाइस यार देखो इसके अंदर, ये रहा मंकी, तुझे क्या लगता है तू मुझे पकड़ पाएगा? अब तू कोई भाग भी नहीं सकता यार, यहाँ से कहाँ जाएगा बक्के बंदा। ओके तो भाई साहब बस इसके बॉडी गार्ड को ठिकाने लगाता हूँ, ये ले इसको ही मारता हूँ। तो गाइस यार हमने इस मंकी गैंग के लीडर को मार डाला है, चलो गाइस यार इसको मारते जल्दी सी, और कोई तो नहीं बचा है ना? अबे है तो, आगे आ जाए, ये ले। हाँ मेरे को मारेगा तू, ये ले बिट्टे। ओके तो गाइस यार मेरे हिसाब से मैंने इनकी पूरी गैंग को मार डाला है। अरे भाई तुम्हारा भाई ओपी है बिल्कुल, अकेले इनकी पूरी गैंग को लुड़का डाला तुम्हारे भाई ने। चलो गाइस यार अब इसको जल्दी से देखता हूँ। ओ भाई क्या पैराडाइज इन लोगों का, सही में खतरनाक वाला। अबे कहाँ चला गया ये, लगता है नीचे गिर गया होगा। चलो गाइस यार ये रहा, अबे कहाँ जाएगा बक्के। चलो गाइस खाते जल्दी से, यम 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 यम। गाइस यार देखो यार हम कितने खतरनाक वाले मंकी मैन के अंदर चेंज हो चुके हैं। गाइस यार इसके हेडफोन देखो, और यार ये तो बिल्कुल कूल डूड मंकी है यार, देख रहे यार कानों में बाली टोपी लगा रखी है भाई, बिल्कुल जैक।
जैक स्पैरो का फूफा लग रहा है ये सही में, हैं? जैक स्पैरो तो यार कप्तान था ना। चलो छोड़ो गाइस यार, अब मैं बताता हूँ मुझे और मंकीज कहाँ मिलेंगे। जैसे जैसे हम लोग मंकी खाएंगे वैसे वैसे हम लोग अपग्रेड होने वाले हैं। तो गाइस यार अभी आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि मैं इतनी ऊपर क्या कर रहा हूँ। देखो वो सामने देख रहे हो आप लोग, वो है पिलबॉक्स हिल मेडिकल सेंटर। मतलब सिंपल सी बात है, वो एक हॉस्पिटल है। तो गाइस यार इस हॉस्पिटल के अंदर आज एक कपल आया हुआ है, और वो कोई एक नॉर्मल कपल नहीं है, वो असल में एक मंकी का कपल है। समझ रहे हो ना, मतलब यार जो माँ बाप है वो मंकी है। तो गाइस यार यहाँ पर हम लोगों को जाना है, और यार उनका एक बच्चा होने वाला है, एक बच्चा होने वाला है। अगर गाइस यार मैं उस बच्चे को खा लेता हूँ तो साथ में वो दूसरे मंकी को खा लेता हूँ, तो गाइस यार तुम्हारा भाई अपग्रेड हो जाएगा। पर गाइस यार ये सुनने में कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है सही, पर कोई बात नहीं। चलो गाइस यार मुझे असल में यहाँ से जंप लगाना है, मेरे पास अभी पैराशूट है, पैराशूट से जंप लगा के मेरे को वहां एंट्री करनी है। देख रहे हो वहां पर, बिल्कुल वहां पर, जिससे गाइस यार हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। अब आप लोग ये सोच रहे हो मैं मेन गेट से क्यों नहीं जा रहा। गाइस यार मेन गेट से जाऊंगा तो मेरे को एंट्री भी नहीं मिलेगी अंदर, इसलिए मेरे को यहाँ से भाई तीरंदाजी लगा के वहां पर पहुंचना पड़ेगा। तो चलो गाइस यहाँ से पहले पीछे से रन अप लेते हैं और यहाँ से खतरनाक वाली जंप लेते हैं। ओहे बच गया, अभी नीचे जाता डायरेक्ट में। ओके 1, 2 और 3, ये लोग हम लोग चले और ये हमारी जंप, पैराशूट खुल गया। चलो गाइस अब यहाँ से आराम आराम से ग्लाइड करते हुए वहां पहुंच जाएंगे, बिल्कुल इजी पीजी। ओ बस पहुंच गया थोड़ा सा और ये हम लोग पहुंच गए भाई साहब। वाह, किसी ने मेरे को देखा नहीं, जल्दी से यहाँ इसके पीछे छुप जाता हूँ इससे पहले कोई मुझे देख ले। हाँ तो गाइस यार मैं यहाँ पर सोफे के पीछे छुप गया। वही गाइस यार मेरे को लगता है ये साइड है ना, ये असल में वो बच्चा है जिसमें बात कर रहा था, और वो उसका डैड है, और इसकी मम्मी कहाँ पर यार, वो मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रही। कांग्रेचुलेशन, आपको बच्चा हुआ है। अरे बता, हमें भी पता है लड़का या लड़की। अरे कांग्रेचुलेशन, आपको लड़का हुआ है। अरे बेटे डॉक्टर जी धन्यवाद। ओए, अभी आपकी जो मोहतरमा है मतलब आपकी मिसेस बेहोश पड़ी हुई है, तो आप टेंशन मत लीजिए, इनको होश आने में लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा। और आपका बच्चा देखिए बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल, ये भी अभी सो रहा है, कितना छोटा सा है, क्यूटी क्यूटी। अरे डॉक्टर कितनी देर में होश आएगा। थोड़ी देर में सबको होश आ जाएगा। चलो आपको बहुत ही खतरनाक वाला कांग्रेचुलेशन। अरे डॉक्टर शुक्रिया शुक्रिया। चलो मैं चलता हूँ, मेरे को और पेशेंट्स भी देखने हैं। डॉक्टर ठीक है, कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है डॉक्टर। चलो 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 चलो। अरे यार एक तो कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा, पता नहीं कौन दारू पीकर रात को गाड़ी लेके आ गया, पूरा हमारा हॉस्पिटल ही तोड़ दिया। चलो चलो चलो। अरे तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले मेरी जाने मन, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस तू अब सोती रहे मस्त आराम से। ओ मेरा बेटा कितना है, ओ मेरा प्यारा बेटा, ओ बेटे बेटे मेरा कितना प्यारा बेटा है, ये हे हे। चलो यार मैं भी यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, जब तक तो मेरी वाइफ को होश आता है। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मेरे को सारा मैटर समझ में आ चुका है, यहाँ पर यार इनका बच्चा हो चुका है, वो तो मेरे को दिख भी रहा है। तो गाइस अभी प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, जो यार वो मंकी है ना, मतलब जो इनका डैड है, वो यार वहीं पर ही खड़ा है। अगर मैं डायरेक्ट वहाँ पर ऐसे जाऊँगा तो गाइस यार प्रॉब्लम हो सकती है ना भाई, वो मेरे को भगा देगा या मेरे ऊपर हमला भी कर सकता है। तो गाइस यार मेरे को सबसे पहले इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, भगाना मतलब इसको और कहीं लेके जाना पड़ेगा। क्या करूँ, कोई तो आइडिया होगा यार। ओ गाइस यार आइडिया, अभी इसके पास जाता हूँ। ओ भाई साहब कितना ज्यादा काम कर लिया है मैंने सही। अरे सर हेलो। अरे कौन, अरे भाई साहब तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे एक्चुअली मैं दूसरे रास्ते से आया था, मेरे को असल में चंपक डॉक्टर ने भेजा है। आपका बच्चा हुआ है ना, आप ही ना वो? हाँ मेरा ही बच्चा हुआ है, क्या हो गया? अरे सर एक्चुअली आपने पेमेंट जमा नहीं कराई है, वो पेमेंट जमा करा दीजिए, एक काम करिए जल्दी से आप। क्या बात कर रहे हो, पेमेंट मैं ऑलरेडी जमा करा चुका हूँ। अरे सर डॉक्टर जी ने मुझे भेजा है तो फालतू में तो भेजा नहीं होगा। अरे तुम एक छोटा सा काम करोगे, मेरी बीवी बच्चों का ध्यान रखोगे जब तक मैं पेमेंट जमा करके आता हूँ? हाँ कोई बात नहीं, मैं जब तक आप आओगे मैं इनका ध्यान रखूंगा। शुक्रिया यार आपका। हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलो मैं आता हूँ, तुम ध्यान रखना मेरे बीवी बच्चों के। अरे यार ये डॉक्टर जी भी कितनी महंगी डिलीवरी करी है, मैं पहले इनको इतने रुपए दे चुका हूँ, फिर रुपए मांग ले। चलो कोई बात नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए तो मैं रुपए खर्च ही कर सकता हूँ, क्यों नहीं। चलो गाइस यार वो यहाँ से चला गया, पर यार अभी प्रॉब्लम ये, मैं पहले बच्चे को खाऊं या पहले माँ को खाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसको खाऊं सबसे पहले। तो गाइस यार सबसे ज्यादा अपग्रेड मेरे को मिलेगा इसकी माँ को खाने पर। चलो गाइस सबसे पहले मैं इसको ही खा लेता हूँ। ओके तो गाइस यहाँ पर देखो ये रही है, चलो ऊपर चढ़ते हैं, इसको खाएंगे मस्त। भाई साहब कितनी ज्यादा सुंदर है यार ये सेमी, चलो इसको खाते जल्दी से। चलो गाइस यार हमने इसको खा लिया, मेरे को छुपना होगा जल्दी से। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ, वो लोग जल्दी से भागे भागे आएंगे, वो मेरे को देखेंगे ही नहीं। अरे डॉक्टर साहब, अरे कौन सी पेमेंट रह गई? अरे क्या हो गया भाई साहब? अरे आप बोल रहे कोई पेमेंट रह गई, ये बताइए कौन सी पेमेंट रह गई? मैंने कर तो दी आपको पूरी पेमेंट। और हाँ आपने पूरी पेमेंट कर दी, फिर क्या हो गया? अरे आपने फिर उस बंदे को क्यों भेजा कि आप बोला कि मैंने पूरी पेमेंट नहीं की?
हमारा तो कोई बंदा नहीं है यहाँ पर, शायद आपको किसी ने गलत सूचना दी है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे ये कैसी बात है? मेरी बीवी के साथ क्या हो गया? अभी आ रहा हूँ, रुक जा। अरे दो मिनट रुकियो, मैं पहुँच रहा हूँ बस। आया आया आया। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्लाइए? अरे ये क्या, अरे मेरी बीवी कहाँ चली गई? अरे ये क्या चक्कर है भाई साहब, मेरी बीवी यहीं पर ही तो थी, वो कहाँ चली गई? अरे भैया पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बीवी, यहाँ पर तो सिर्फ मेरा बच्चा है, मेरी बीवी कहाँ चली गई और वो आदमी कहाँ चला गया यार, ये सब क्या चल रहा है? ओके तो गाइस यार यहाँ पर उनका डैडी वापिस आ चुका है, पर गाइस प्रॉब्लम ये भी मेरे को बच्चे को भी खाना है, पर मैं उसको खाऊं तो खाऊं कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, मेरे को और कोई प्लान भी बनाना पड़ेगा। ओके गाइस यार मेरे पास एक आइडिया है, जल्दी जाता हूँ। सर सर बात सुनिए सर, सर जी प्लीज। अरे अरे तुम तो वही हो ना, उसने बोला था डॉक्टर जी ने मुझे बुलाया है। अरे सर वो सब छोड़िए, आपकी बीवी। क्या हो गया मेरी बीवी को? अरे सर आपकी बीवी उठी और जैसे वो उठी उनको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे और वो सामने की तरफ से जाके गिर गई। क्या बोल रहा है? हाँ सर मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नीचे गिर गई। क्या बात कर रहे है, मेरी बीवी नीचे गिर गई? हाँ सर यहाँ से नीचे गिर गई वो। अरे यहाँ पर तो रोड चल रहा है, मेरी बीवी। सर जल्दी जाइए इनसे पहले कि उनको कुछ हो जाए। मेरी बीवी को मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, आ रहा हूँ मैं। तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी, तेरा पति देव आ रहा है। ओह गाइस यार मैंने पागल बना दिया यार उसको फिर से। चलो गाइस यार इसके जल्दी से इसको बच्चे को भी खा लेते हैं। अरे भाई साहब, अरे आपने मेरी बीवी को देखा क्या? अरे भाई हम किसकी बीवी को देखेंगे, हम अपनी बीवी को देखे किसी और की बीवी को देखे? अरे भाई साहब वो नहीं, मेरी बीवी वहाँ ऊपर से नीचे गिर गई, आपने देखा क्या? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, हम जब से खड़े हैं यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, हमने तो किसी लड़की की आवाज नहीं सुनाई थी और ना ही कोई ऊपर से गिरा है। ये क्या लगता है उसने मेरे को चकमा दे दिया, भागो जल्दी से, मेरे को मेरी बीवी और बच्चे के पास जाना है। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मैं आ रहा हूँ। अरे ये क्या, यहाँ से मेरे बीवी बच्चे कहाँ चले गए, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? डॉक्टर। गाइस यार देखो हम लोग चेंज हो चुके रॉकेट मंकी के अंदर। गाइस यार देखो मेरे पीछे रॉकेट लग रहा है और मेरे हाथों में ये क्या है यार, ये कितनी कूल चीज है यार, सभी बहुत ज्यादा कूल लग रहा है यार तुम्हारा भाई। पर गाइस यार अब मुझे और भी ज्यादा मंकीज खाने होंगे। तो गाइस यार ये सामने देख रहे हो ना, ये है पार्टी हाउस, यहाँ पर सभी लोग पार्टियां करने जाते हैं। और गाइस यार यहाँ पर जो वर्कर्स है ना, जो मतलब इसको संभालते हैं पार्टी हाउस के, वो असल में मंकीज है यार, मंकीज से यहाँ पर काम करवाया जाता है। और गाइस यार आज तुम्हारा भाई इसी पार्टी हाउस के अंदर जाएगा और जाकर उन मंकीज को खाएगा, और वो मुझे पता नहीं कैसे खाने वाला हूँ, पर गाइस यार मैं उनको खाऊंगा जिससे मैं अपग्रेड हो सकूं। तो चलो गाइस चलते हैं जल्दी से, हम लोग हैं मंकी और हम खाएंगे मंकी। ओके तो गाइस यार देखो यहाँ पर सारे बंदे पार्टी करने वाले, देखो ये लोग भी यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। ओ बेटे पार्टी हाउस में, चलो गाइस यार चलते हैं जल्दी से पार्टी हाउस के अंदर। ओके तो गाइस यार देखो यहाँ पर कितने सारे बलून से, अब लगता है किसी का बर्थडे वर्थडे आज भाई साहब, क्या डेकोरेशन हो रही है। उई, देखो वो रहा वो मंकी सफाई कर रहा है यार यहाँ पर, इसी को मैंने खाना है। हेलो इधर। अरे ये बंदा बुला रहा है मेरे को, ये यहाँ का मालिक जिनके सारे मंकी से। ओ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अरे मैं तो यहाँ पर पार्टी करने आया हूँ। पार्टी नहीं, आज पार्टी अलाउड नहीं है। क्यों? ये पहले से किसी ने बुक करा रखा है, एक लड़के का बर्थडे है, उसके बर्थडे के लिए ये सारा सजाया जा रहा है, तो आज सिर्फ उनके लिए जगह है, तुम्हारे लिए नहीं, तो दफा हो जाओ यहाँ से। अरे यार ऐसे थोड़ी, मैं पैसे दूंगा ना। पैसे की जरूरत नहीं है, जिसने पहले बुक कराया वही यहाँ पर पार्टी करेगा, आज शाम 5 बजे पार्टी है, यहाँ पर काम चल रहा है, जाओ यहाँ से। ओके ठीक है चलो मैं जा रहा हूँ। सभी मंकीज अपना काम अच्छे से करो। गाइस यार ये क्या बकवास है, मैं नहीं जाने वाला ऐसे, तो गाइस यार मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ, अब इसका जाने का वेट करता हूँ, जैसे ही यहाँ से जाएगा मैं जाके उस मंकी को खा लूंगा। कितना काम कर लिया तुमने, शाम होने में ज्यादा देरी नहीं है, सब कुछ साफ कर दिया। जॉब अपना काम करो, मैं जाकर जब तक बाकी मंकीज को देखता हूँ उन्होंने कितना काम कर दिया है। काम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि लोग देख के खुश हो जाए। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। चलो मैं जाके बाकी काम देखता हूँ, टॉयलेट देखना पड़ेगा, टॉयलेट साफ करना ज्यादा जरूरी है। ओ गाइस यार देखो इनका मालिक यहाँ से जा चुका है, मेरे पास यही मौका है इस मंकी को खाने का। चलो गाइस यार इसके पास चलते हैं धीरे धीरे करके, बस ये मेरे को देख ना ले। ओके तो गाइस यार इस टेबल के ओर में चलता हूँ। गाइस यार क्या सजावट कर रखी है यहाँ पर, सही में एक नंबर की सजावट है यहाँ पर, देख रहे हो भाई साहब क्या ही गिफ्ट्स है। बस इसके पास चलता हूँ आराम आराम से, आराम आराम से। ये मैंने टेबल भी साफ कर दी, अब जाके जल्दी से गेमिंग मशीन साफ करता हूँ, वरना बॉस मेरे को छोड़ेंगे नहीं।
भाई डर गया मैं सही मेरे आगे से गए। गाइस यार ये एकदम बढ़िया मौका है मेरे पास, ये भाई बिल्कुल साइड में आ चुका है ना ही मेरे को कोई देख सकता। अब चलो 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 चलो। हेलो ओके चलो गाइस यार मैंने इसको चलने से खा लिया, अब यहाँ पर छुप जाता हूँ इस वाले बॉक्स के पीछे। हाँ गाइस यार ये वाले गिफ्ट के पीछे छुप जाता हूँ। कहाँ पर है टॉयलेट? ये रहा टॉयलेट। अरे तुमने टॉयलेट को चमका दिया ना बिल्कुल, मैल नहीं आनी चाहिए, हम नहीं चाहते हमारे कस्टमर्स को बुरा लगे बिल्कुल भी। अरे बॉस कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको बिल्कुल चमका दूंगा। हाँ बिल्कुल चमका दो, अगर नहीं चमकाया तो मैं तुम्हें चमका दूंगा। ठीक है बॉस। ओए ये कैसी आवाज आई, मुझे जल्दी से जाना होगा। ये कौन से वर्कर की आवाज आई? मैं आ रहा हूँ मेरे मंकी, तुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरा मंकी यहाँ से कहाँ चला गया? वो यहीं पर ही सफाई कर रहा था। कौन है यहाँ पर? बाहर आओ, किसने मेरे मंकी को चुराया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाय कौन है यहाँ पर? ओ गाइस यार इनका मालिक अभी उस वाले कमरे में गया है, मेरे पास यही मौका है, मुझे जल्दी से अंदर चलना चाहिए और भी ज्यादा पार्टी हाउस के अंदर के आराम आराम से बस मेरे को कोई देख ना ले। ओके तो गाइस है कहाँ पर वो? शायद पता नहीं वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होगा। चलो गाइस यार हम लोग जल्दी से अंदर चलते हैं पार्टी हाउस में, आ रहा हूँ और मंकीज को खाऊंगा जाकर। गाइस यार इसने बोला था कि ये टॉयलेट में जा रहा है, मतलब जो अगला मंकी मुझे मिलने वाला है वो टॉयलेट के अंदर ही होगा। Nice. चलो 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 आ रहा हूँ। ये कौन सी जगह है? ओए कैसे ये टॉयलेट लगता है मेरे को, यहाँ पर देखता हूँ। ओए ये रहा यहाँ पर मंकी। चलो गाइस यार अब इसको जल्दी से खा लेता हूँ। मैंने सफाई कर दी। ए, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? तुम बताओ मेरे को। अरे गाइस यार मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैं इसको देख नहीं रहा हूँ। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन हो तुम, बात सुनो मेरी, मैं बॉस को बुलाऊं। अरे नहीं नहीं नहीं, बॉस को क्यों बुला रहे हो? मैं असल में एक नया वर्कर हूँ तुम्हारी तरह। क्या बोल रहे हो तुम, हमारे जैसे सिर्फ चार है, तुम कौन हो? अरे मैं असल में एक नया मंकी हूँ, तुम भी मंकी हो मैं भी मंकी हूँ। अब देखो मैं बताऊँ क्या काम करता हूँ। अरे धक्का क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब बताओ राम से क्या चाहते हो तुम? असल में मैं एक नया मंकी हूँ, बॉस ने मेरे को काम पर रखा है। देखो मेरे हाथ में जो तुम भोपू देख रहे हो इससे मैं गाना गाता हूँ। कैसा गाना? देखो ऐसे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, नोबडी लाइक्स यू, गो बैक टू ज़ू। मजा आया। एक और गाना सुनाओ। गाइस यार चलो अपने बॉस को इतनी बुला, चल मैं गाता हूँ। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा बुड्ढा जावे दिल्ली लेके पूरा ये। हो जिंगल बेल जिंगल बेल। मजा आया। अरे वो वाला गाना गाओ ना, सहेली दूर ना जाइयो। ये कौन सा गाना है? अरे है गाओ तो। चलो मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। बंदर राजा पहर पजामा, किधर चले ससुराल चले। अरे नहीं नहीं ये मत गाओ यार। एक काम करो तुम मुझे कोई अच्छा सा गाना बताओ मेरे कान में आके। हाँ मैं बताता हूँ, तुम्हारे कान में क्यों बताना है? अबे यार बॉस ने सुन लिया तो कि मैं तेरे लिए गाना गा रहा हूँ, और मुझे तो यहाँ पर कस्टमर्स के लिए गाना गाना है। हाँ तुम सही कह रहे हो, बॉस मारेंगे मेरे को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ चल मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ गाना। वो गाना गाओ, शीला की जवानी। अच्छा शीला की जवानी। ओके तो गाइस यार हमने एक और मंकी को खा लिया। कौन है? ओ गाइस यार लगता है इनका मालिक आ रहा है, मुझे जल्दी से इसके अंदर जाना होगा। मुझे टॉयलेट रूम में से आवाज आई थी, कौन है अब, किसकी आवाज है? अरे यहाँ पर मेरा मंकी काम कर रहा था, आखिर मेरा मंकी कहाँ चला गया? कौन है यहाँ पर? बाहर आओ। लगता है कोई मेरे मंकीज के पीछे है, मेरे स्पेशल मंकीज, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कौन है? बाहर निकलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गाइस यार बार बार बच गया, वो तो सही है मैं इस बाथरूम में आके छुप गया, सॉरी टॉयलेट के अंदर। चलो अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। चलो गाइस यार हम लोग बाहर आ चुके, अभी मेरे को और वर्कर मंकीज को ढूंढना होगा। पता नहीं गाइस यार वो कहाँ पर होंगे, पर उनको ढूंढना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर गाइस यार उनको मैंने नहीं ढूंढा ना तो मैं कहाँ जाऊंगा यार, अपग्रेड कैसे होऊंगा। ओके चलो गाइस यार यहाँ पर मेरे को कोई नजर तो नहीं आ रहा, चलो आराम से चलता हूँ, है तो नहीं यहाँ पर कोई। अरे गाइस यार ये रहा वो इनका मालिक, ये यहाँ पर अब क्या कर रहा है? यहीं पर छुप जाता हूँ, कोई नजर तो नहीं आ रहा। काम करता हूँ गेमिंग रूम में जो मंकी है उससे पूछता हूँ कि उसके बाकी दोस्त कहाँ चले गए। अरे तुम ये बताओ तेरा भाई कहाँ चला गया, वो जो टॉयलेट साफ करते हैं? अरे बॉस मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर एक गेम वाली टेबल साफ कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता? हाँ बॉस। तुम यहाँ पर सफाई करो, मैं जाकर ढूंढता हूँ। कौन है यहाँ पर? कोई भी नहीं है, मुझे बाकी मंकीज से पूछना चाहिए जाकर।
ओए कौन है यहाँ पर? गाइस यार तुम लोग डर गए होंगे ना कि तुम्हारा भाई पकड़ा गया। नहीं यार ऐसे थोड़ी पकड़ा जाऊंगा मैं, वो जैसे ही अंदर गया था मैं यहाँ पर घुस गया था। वो गाइस यार मतलब अगला मंकी यहाँ पर है, ये कोई गेमिंग रूम बताया, इसके अंदर मेरे को अगला मंकी मिलने वाला है। चलो गाइस यार चलते हैं जल्दी इसके अंदर। टिक टिक घोड़े टिक टिक घोड़े, ये रहा यहाँ पर। ए मेरी, इसको साफ हो गया चलो बस। अबे तुम कौन हो? ए टोपी नीचे क्यों करके बैठे, खड़ा हो ना, बात कर मुझसे। ए कौन है तू, कौन है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे क्या हो गया भाई, क्यों रो रहे हो? मैं अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा रह रहा था, पता नहीं कहाँ से ये खतरनाक वाला बॉस आ गया और मेरे को ठाकर यहाँ ले आया। मुझे भी मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आती है, ये मेरे को जबरदस्ती यहाँ पर लेके आ गया। क्या बात कर रहे हो, तुम्हें भी? हाँ। गाइस यार हम दोनों के साथ इतना बुरा हुआ है। हाँ हम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ है। चलो हम बॉस को बताते कि हमें छोड़ दे। नहीं 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 बॉस को नहीं बताना। क्यों? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। गाइस यार मैं इसको कैसे खाऊं यार, अगर ये चिल्ला दिया तो। एक काम करो गाइस यार जल्दी से तुम वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया अभी तक, और जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो ईट ईट, जिससे यार ये चिल्लाएगा नहीं बिल्कुल भी। जल्दी गाइस लिख दो यार जल्दी जल्दी। अरे फिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम भागे क्यों नहीं? एक्चुअली मेरे पास एक खतरनाक वाला प्लान था। कैसा प्लान? मैं सोच रहा मैं अकेला यहाँ से भाग के क्या करूंगा, मुझे पता चला तुम जैसे मासूम बंदरों को यहाँ पर काम पे रख रखा है, मैं सोचा तुम लोगों को भी साथ में लेके भागूं। अच्छा सच में तुम हमें यहाँ पर बचाने आए हो? और क्या। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो। चलो एक काम करो अब तुम मेरी कमर पे चढ़ जाओ। क्यों? चढ़ो तो। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ चढ़ोगे? हाँ चढ़ जाओ तुम। एक सेकंड बस थोड़ा सा और। यम 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 यम। गाइस यार भागो यहाँ से जल्दी से, कहीं जाके छुपता हूँ, यहीं छुप जाता हूँ, एक आइडिया मेरे पास। अब कौन है? मेरे को और बंदर की आवाज आई, वो शायद गेमिंग रूम में से आई है, गेमिंग रूम वाले बंदर। अबे अब ये कहाँ चला गया, कौन है मेरे बंदरों को खा रहा है जो? गाइस यार वो गया अंदर, जल्दी से ढूंढते अगले बंदर को। अबे हटना जल्दी से। गाइस यार वो यहीं पर ही होना चाहिए, अगला बंदर कहाँ पर? इस रूम में भी नहीं, इसमें भी नहीं है, कहाँ है? गाइस यार तुम्हें कहीं पर नजर आ रहा है क्या? ओए ये रहा यहाँ पर सफाई कर रहा है, चलो इसको जल्दी से खा लेता हूँ। अबे ये क्या है भाई साहब, ओए ये किसकी डेड बॉडी है? गाइस यार यहाँ पर किसी की डेड बॉडी है यार। हाँ अरे कहाँ गई वो? ओए भाई साहब यहाँ पर किसी को मार के पटक रखा है। ओए मैं क्या कर रहा हूँ पागल हूँ क्या, मेरे को तो इस बंदर को खाना है। तुमने आंखें देख लिया इसकी डेड बॉडी को, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये असल में वो लड़की थी जो लास्ट नाइट पार्टी करने आई थी और मैंने इसको मार डाला था, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। पर तुम हो कौन, तुम यहाँ पर टाइम से पहले कैसे आ गए? 5 बजे की थी ना पार्टी। क्या बात कर रहा है, तुम मुझे मारेगा? बंदर से सिकल के, मतलब बंदर तो मैं भी हूँ पर तुम मुझे मारेगा, सुमित टोपी को मारेगा, तेरी इतनी हिम्मत? क्यों नहीं मारूंगा मैं तुझे। अच्छा चले काम कर, मेरे को पकड़ के दिखा पहले। आधा आधा पकड़ के दिखा। रुक कहाँ जा रहे है? मेरे को पकड़ेगा? ओए गाइस यार मैं पागल हूँ क्या, मैं इसके साथ गेम क्यों खेल रहा हूँ? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चैलेंज किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कहाँ पर है? यम 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 यम। अय्या ये कहाँ पर आ गया दैया री दैया? अरे ये क्या यार, इतना सारा केचप निकल गया मेरा। ओए केचप उतरी। वूहू गाइस यार मैं कितना खतरनाक वाला मंकी मैन बन गया यार, ऐसा लगता है बैटमैन का फूफा हूँ यार मैं तो। देखो क्या क्या ही तो यार सूट पहन रखा है मैंने, क्या खतरनाक लग रहा हूँ यार मैं। और बाकी बात दूर की बात, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अबे क्या ये, उई वहाँ क्या चल रहा भाई, लगता है कोई खतरनाक चीज चल रही है। और गाइस तुम्हारा भाई बन चुका है बैटमैन वाला मंकी, या निंजा मंकी, या क्या बोलूं पता नहीं, चलो कुछ भी हो कूल लग रहा हूं यार मैं। सही बहुत ज्यादा, मेरी पूंछ देखो ऐसा लगता है किसी ने डंडा घुसा दिया हो। सॉरी सॉरी गलत बोला। चलो गाइस जल्दी चलते हैं। ओ भाई साहब क्या चल रहा है यहाँ पर? ओए 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 ये क्या सब चल रहा है? अरे हेलीकॉप्टर वाले यहाँ से जाना दिखाई नहीं दे रहा क्या, रैप चैलेंज चल रहा है यहाँ पर? मैं जा रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहा है? अबे क्या चिल्लम चिल्ली हो रही, क्या चल रहा है यहाँ पर? एक सेकंड, मैं ये कहाँ पर आ गया, मेरे साइड में मेरे हिसाब से ये असल में डेड मंकी है यार, जिनके बेटे को मैं खा गया, जो जिसकी वाइफ को खा गया, और मेरे इस वाली साइड है ये वही यार जिसके मैं मंकी खा के आया हूँ रेस्टोरेंट में से। हाँ ये वही है यार। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैंप चैलेंज के अंदर। आज का रैंप चैलेंज सिर्फ हमारे स्पेशल मंकीज के लिए है। तो भैया आप क्यों कर रहे हैं रैंप चैलेंज? मेरे बीवी बच्चों को कोई खा गया,
इसलिए मैं यहाँ पर ये रैंप चैलेंज करने आया हूँ। अरे भैया यार, तुम्हारे बीवी बच्चे को कोई खा गया तो यहाँ पर रैंप चैलेंज करने आए हो? और भाई तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा कूल ड्यूड लग रहे हो, क्या कमाल के लग रहे हो यार। शुक्रिया शुक्रिया तुम्हारा। और आप यहाँ पर क्या करने आए हो? मुझे अपने वर्कर्स चाहिए। यार पता नहीं तुम लोगों को क्या चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ आज क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फेवरेट बाइक चूज करनी है। ओ मोहतरमा कितनी सुंदर है ना। और यहाँ पर भी अपनी बाइक चूज करने के बाद आपको यहाँ से सिंपली सीधा जाना है, इन सब को तोड़ते हुए फोड़ते हुए और यहाँ पर इन सभी चीजों से बचते हुए, जो यहाँ पर इन बोलों के साथ मस्ती करके यहाँ से लेगा जंप, उसे मिलने वाला है आज का खतरनाक वाला ग्रैंड प्राइज। और वो है ये 5 खतरनाक वाले बिगफुट मंकी, है ना कमाल के, बिल्कुल बहुत अल्टीमेट वाले हैं। हाँ तो किस चीज का इंतजार, जाओ जल्दी। मेरे बीवी बच्चे को जो खा गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसने मेरे बीवी बच्चे को गायब किया वो छोटा सा बच्चा कौन था पता नहीं, पर अब मैं इन पांचों बिगफुट को लेके जाऊंगा और इनकी शक्तियों से अपने बीवी बच्चों को वापस लेके आऊंगा। ओए गाइस यार, यहाँ पर ये असल में उन बिगफुट का यूज करके मुझको वापस कमजोर कर देगा। अगर ये जीता, मैंने इसके बीवी बच्चों को खाया ना, वो वापस जिंदा हो जाएंगे और मैं कमजोर हो जाऊंगा। अरे तुम कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा। हाँ अब तुम लोग बस देखो मैं कैसे जीतता हूँ। हाँ वो तुम लोग देख रहे हैं। ओके तो गाइस यार, अबे ये बंदा कुछ ज्यादा स्पीड में नहीं जा रहा है क्या? बस देखना तुम। अरे ये क्या लफड़ा है रे बेवकूफ, कहीं का दिमाग नहीं है इस आदमी में, ऐसे ही हार के चला गया यहाँ से। गाइस यार वहाँ पर हुआ क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पर हुआ कि तुम्हें ताकत दिखानी है, ताकत दिखाओगे तुम आराम से जीत जाओगे, देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। भाई पता नहीं क्या बात चल रही पर कुछ तो खतरनाक लग रहा है। यहाँ पर दम लगा के तुम्हें तोड़ फोड़ करनी होगी, दम लगा के जैसे मेरे वर्कर्स काम करते थे। यहाँ पर तुम्हें फुल स्पीड में जाकर इसे तोड़ना है और उसके बाद और यहाँ से उड़ जाना है डायरेक्ट अंदर। ये क्या बवाल है रे, ये बाइक था या कबाड़ा, अपन तो बाहर हो गया रेस से। अब तुम कौन हो? मुझे पता चला है कि यहाँ पर ताकतवर होने के लिए बिगफुट मिल रहे हैं। अब गाइस यार ये कौन आ गया? डर गए लगता है तुम। मैं नहीं डरता। अब मैं यहाँ पर आया तो जीत के ही जाऊंगा, मैं ये वाली बाइक लेके जाऊंगा, हटना हसीना। बस तुम लोग देखते जाना। वो तो गाइस यार पता नहीं ये कौन मंकी है, कहाँ से टपका। गाइस यार ये कहीं से टपका ऊपर, यार मेरा गेम खराब करने वाला है। वो तो मैं करने ही वाला हूँ। ओके तो गाइस यार यहाँ पर ये मंकी जा रहा है फुल स्पीड में, अगर ये जीत गया तो तुम्हारे भाई की बैंड बच जाएगी। ये देखो गाइस यार ये सबसे आगे पहुँच गया यार, उन दोनों से तो काफी आगे आ गया, ये तो असल में बोल्स के साथ डांस करने लग गया है। बस तुम देखते जाना। ओ गाइस यार ये जीत गया तो बैंड बच जाएगी, आप लोगों को इसको कैसे ना कैसे हराना पड़ेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो डिस्क्वालीफाई, जल्दी यार, या लिख दो लूज जिससे ये बंदा हार जाए। ओए गाइस शायद आपने लिख दिया इसलिए पानी में गिर गया जाके। ओ भाई सब शुक्रिया आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं जरूर मर जाता और ये भी मरी गया। गाइस यार आप लोग से मैं कितने ज्यादा ओसम हो यार, आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्यार। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लूज नहीं लिखते ना भाई, वो बंदा जीत जाता वो बंदर और तुम्हारा भाई हार जाता, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था, मतलब तुम लोग ऐसा नहीं होने देते यार। शुक्रिया यार आप लोगों का बहुत ज्यादा। तो गाइस अब तुम्हारे भाई की बारी है, और गाइस तुम्हारा भाई ये खतरनाक वाला डेविल बाइक लेके जाने वाला है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग निकल चुके जीत की ओर, ये फुल स्पीड में हम लोग जा रहे। ओ भाई साहब ओ खतरनाक वाली जंप लगाइए। ओ भाई साहब ये नाइस नाइस नाइस। गाइस यार आप लोग चाहते हो तुम्हारा भाई जीते और एक अल्टीमेट मंकी के अंदर चेंज होता हूं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो विन विन जिससे तुम्हारा भाई जीते। ओ तो गाइस यहां पर हम लोग फुल स्पीड में जा रहे हैं, इनसे बच के वरना ये लोग फट जाएंगे। ओ ओ बेटे बस पहुंच गया थोड़ा सा और ये फाइनली क्या लगी है। गाइस यार तुम्हारा भाई यहां पर जीत चुका है फाइनली। गाइस यार यहां पर हम लोग जीत चुके हैं। ओ बेटे यहां पर देखो भाई, इनको खाने का मौका मिल गया मेरे को, नाइस नाइस नाइस। तो गाइस यार ये है मेरा इनाम, इतने सारे बिगफुट, चलो गाइस इनको जल्दी खाता हूं। गाइस यार हम लोग फाइनली अल्टीमेट मंकी किंग के अंदर अपग्रेड हो चुके हैं। देखो गाइस यार मेरा आर्मर देखो यार कितना
बहुत ज्यादा कूल लग रहा है यार। मैं बन चुका हूँ फाइनली अल्टीमेट मंकी किंग और मैं कितना ज्यादा कूल लग रहा हूँ यार। देख रहे हो आप लोग कितना ज्यादा वो सब लग रहा हूँ यार मैं। मजा आ गया। चलो गाइस यार अब थोड़ा शो ऑफ करते जाके। अबे ये कौन खड़े रास्ते में? मुझे पता चला है कि तूने मेरे बीवी बच्चे को खाया था और तूने ही मेरे वर्कर्स को मुझसे छीना है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अबे तुम लोग मेरे आगे खड़े होने की हिम्मत भी कैसे कर पा रहे हो? मैं हूँ अल्टीमेट मंकी किंग, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम लोग चाहते ही हो कि मैं तुम्हारी बैंड बजाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आजा। ये ले ये बेटे। क्या पावर से यार मंकी किंग की सेमी। ओ माय गॉड। ओ भाई साहब क्या ही तराई तराई तराई। ओ बेटे क्या मार रहा हूँ भाई, खड़ा होने का मौका नहीं दे रहा हूँ। कभी इसको कभी उसको क्या बबरा दिया भाई, कितना खतरनाक हूँ मैं सेमी। अरे बस 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 और नहीं भाई, क्या ही बैंड बजाई इन लोगों की सेमी मैंने। ओ भाई साहब मंकी किंग की पावर तो बिल्कुल अल्टीमेट लेवल पे यार, मुझे नहीं पता था अल्टीमेट इतना खतरनाक होता है मंकी किंग। ओ मजा ही आ गया यार सेमी आज तो। गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले बैठ के आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस यार हम मिलेंगे इससे नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। जब तक लिए sayonara. We're just getting started. I know that you want it, baby. Just get on it, ready to go. We know how to party. Pull out the Bacardi, feel it in my body. Put on a show. Yeah.